जाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो मूवी शुरू होते हैं हमें तीन दोस्त दिखाई देता है जिनका नाम होता है ऑगी, बेन और कैटर। वो तीनों दोस्त स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल की तरफ से एक ट्रिप का प्लान बनता है। वो तीनों राजू हो जाते हैं और वो तीनों अपनी कार से उस कैंपिंग के लिए चले जाते हैं। फिर रास्ते में वो तीनों बहुत मस्ती कर रहे थे जाते वक्त, लेकिन उनके सामने रास्ते में एक हिरन आ जाता है और उनके कार के साथ टक्कर हो जाती है। ये देख के ऑगी बहुत जोर का ब्रेक लगाता है, लेकिन उनका टायर पंचर हो जाता है। वो टायर बदलता है तभी उधर कैंडल नाम की एक लड़की आती है जो कि बेन का दोस्त थी। बेन ऑगी और कैटर को कैंडल कहती है, आज रात को पार्टी है शहर के बाहर, आ जाना टाइम के मुताबिक, मैं एड्रेस शाम को दे दूँगी। बेन कहता है, हमारा तो कैंपिंग चल रहा है। लेकिन कैंडल कहती है, तुम आज शाम तक कर लो ये सब, रात को चलेंगे पार्टी में। बेन कैंडल को बहुत पसंद करती थी, वो हाँ कर देती है। फाइनली वो लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं। वो लोग अपना टेंट भी लगाता है, लेकिन कैंपिंग के उधर और भी स्टूडेंट थे जिसका नाम था रोजल। वो जंगल में घूम रहा था, तभी जंगल में इधर उधर घूम रहा था। सब लोग उसको ढूंढ रहे थे लेकिन वो नहीं मिल रहा था। फिर शाम होने चला, ऑगी बेन कैटर बोल रहे थे, रोजल कहाँ जा, चलो ढूंढने उनको। फिर ऑगी कहता है कुछ सोच के, बोले कि रोजल जहाँ भी रहो वो हमारा दोस्त नहीं है, हमारा दुश्मन है, जाने दो, हम लोग पार्टी की तैयारी करते हैं। फिर वो लोग अपना कार निकाल के एक बगल वाले शॉप में जाते हैं, पर शॉप में कोई इंसान नहीं था। सामने एक उसके ऑपोजिट साइड एक क्लब था। क्लब के अंदर तीनों जाते हैं लेकिन क्लब में भी कोई नहीं था। सामने से उनके पास एक बॉडीगार्ड आता है जो कि जॉम्बी उनके ऊपर अटैक करने लगता है। ये देख के तीनों बहुत डर जाता है। तभी एक लड़की आती है जिसका नाम था डेनिस, वो उस बॉडीगार्ड के ऊपर अटैक कर देती है और उसको मार देती है। तीनों को बचा के उस कार से भागने लगती है, लेकिन आसपास के जितने भी लोग थे सारे जॉम्बी बन गए थे। वो उनके कार की तरफ आ जाता है, लेकिन वो लोग कार स्टार्ट करते उनका टायर ख़राब हो जाता है। डेनिस शॉटगन से उन जॉम्बी का मुकाबला कर रही थी, एक को एक मार रही थी, और तीनों मिलकर टायर जल्दी से जल्दी ठीक कर देता है। लेकिन शॉटगन का गोली ख़त्म होने चला है, उन्होंने जल्दी से जल्दी टायर बदला और कार स्टार्ट करके उधर से भाग गए तीनों। डेनिस कहती है, पूरे शहर के लोग जॉम्बी बन चुके हैं, हमें इधर से भागना होगा। फिर बेन कहता है, नहीं हमें नहीं भागना चाहिए, इधर आज रात को कोई एक पार्टी होने वाले है, उधर सारे इंसान आने वाले हैं, उनको बचाना हमारा फ़र्ज़ है, उनको बचाना ही होगा। उसके जेल के आसपास घेर के खड़ा था, लेकिन ऑगी बाहर था, वो पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं गया था, वो सब कुछ देख रहा था। ऑगी बहुत डर गया था। ऑगी फिर सोचा, उन तीनों को बचाना होगा। फिर कार के अंदर जो म्यूजिक पूरा ऊंची आवाज़ में कर दिया, सारे जॉम्बी उनके वो कार की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तभी ऑगी उस पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और तीनों को आज़ाद करके उधर से भागने लगता है, लेकिन जॉम्बी उनको देख लेता है और पीछा करता है। कैथर ऑगी बेन को कहता है, हमें इधर से भागना होगा, ये शहर से हमें अपना जान बचाना होगा, उस पार्टी के लोगों को हमें नहीं सोचना चाहिए। लेकिन बेन बहुत गुस्सा हो जाता है, उन तीनों को समझाने लगता है, डेनिस ऑगी और कैटर को, कि कहता है हमें इंसानियत दिखानी चाहिए थोड़ी सी, वो लोग तो इसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो लोग पार्टी में है, उनको बचाना चाहिए हमें। डेनिस मान जाती है, वो बेन के साथ देती है, ऑगी और कैटर भी। ऑगी फिर कहता है, उस पार्टी का एड्रेस तो हमें पता ही नहीं है, हम लोग कैसे जाए उसको ढूंढने, उन लोगों को ढूंढने। बेन कहता है, हम लोग अगर कैंडल के घर जाते हैं तो डायरी में उस पार्टी का एड्रेस शायद मिल सकता है। वो उसके घर जाता है, आसपास के जितने भी पड़ोसी थे सब जॉम्बी बन गए थे, उनको देख लेता है और उनके पास आता है। वो लोग गेट लॉक करके डायरी ढूंढने लगता है, लेकिन उनके घर में खिड़की से दरवाज़ा तोड़ के जॉम्बी घुस गया। वो लोग जम करके दूसरे घर में जाने का कोशिश करते हैं। ये बारी बारी सब कोई भाग रहा था, लेकिन बाद में बेन को वो डायरी दिखती है। वो डायरी उठा के भागने वाला था, लेकिन सारे जॉम्बी उसको देख लेता है। फिर डेनिस चिल्ला के सारे जॉम्बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जॉम्बी उसकी तरफ देखने लगता है। तभी बेन जम करके उनके साथ आके भाग जाता है। फिर वो लोग उस पार्टी में जाता है, लेकिन डेनिस कहती है, तुम अंदर जाओ, उन लोगों को बचाओ, और मैं आर्मी लोगों के पास जाती हूँ हेल्प मांगने के लिए। बेन कहता है, ओके ठीक है जाओ। पार्टी में भी एक लड़की जॉम्बी थी, वो सबके पास जाकर उसको काट रही थी, सबको जॉम्बी बना रही थी। लेकिन बेन देख लेता है, वो लड़की को मारने लगता है और सारे इंसान को बोलता है, सबको सतर्क हो जाए, इधर से भागो सबको। लेकिन 2-7-8 लोग अभी तक जॉम्बी बन चुके थे पार्टी में, उन सबको मारता है, हमले करता है। सारे इंसानों को उस बंडल से बाहर निकाल के एक सेफ जगह रख देता है। फिर वो तीनों एक रूम में जाता है और एक बॉम्ब निकालता है उस बंडल को तबाह करने के लिए, जो कि जितने भी जॉम्बी है सारे मर जाएंगे। लेकिन उनका लाइटर का फ्यूल ख़त्म हो, लाइटर जलती नहीं है। लेकिन ऑगी बहुत ट्राई करता है, लेकिन जॉम्बी उनके
दरवाजा तोड़ देता है उनके पास आने लगता है। वो लोग एक सुरंग से भागने वाला था लेकिन ऑगी फाइनली लाइटर से चलाने में कामयाब हो जाता है। वो तभी बॉम्ब को चला के उधर से भाग जाता है। जब तक भागता है भाग के बाहर आता है फिर वो पिंडल एकदम ब्लास्ट हो जाता है। फिर एक और ज़ॉम्बी था उन लोगों का क्लासमेट जिसका नाम था रोजल जो मूवी के शुरू में देखता, वो उनके पास आके अटैक करने लगता है। लेकिन तभी आर्मी टीम आ जाता है, डेनिस बुला के लाता है। वो रोजल के ऊपर बॉम्ब फेंकता है और वो ब्लास्ट हो जाता है, मर जाता है। फिर वो चारों को लेके सेफ जगह में रख के आता है और शहर में जितना भी इंसान थे जो सही था उनको भी पकड़ के एक कैंप में रख देता है। आर्मी लोग सारे लोगों को बचा लेता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो कैसा लगा मूवी ज़रूर बता। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।